नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेस्ता उपाध्याय उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में समाज कार्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सोशल वर्क एंड व्हाट डू मीन बाय वैल्यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोशल वर्क, मतलब समाज कार्य क्या है। समाज कार्य का जो परिभाषा है उस पर हम समझेंगे कि समाज कार्य की परिभाषा में जो जो शब्दावलियाँ हैं उन्हें विस्तार रूप से समझेंगे। वैल्यू मतलब मूल्य, मूल्य किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि समाज कार्य के मूल्य कौन कौन से हैं और उसके विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम समाज कार्य के डेफिनेशन को लेकर। यह डेफिनेशन IFSW इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क के द्वारा 2014 में दी गई थी, जो कि ग्लोबल डेफिनेशन के रूप में जानी जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, समाज कार्य अभ्यास आधारित एक व्यवसाय एवं अकादमिक विषय है जो कि सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक सामंजस्य तथा व्यक्तियों के सशक्तिकरण और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, सामूहिक उत्तरदायित्व और विभिन्नताओं के प्रति आदर इसके केंद्र बिंदु हैं। समाज कार्य व्यक्ति एवं सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए सामाजिक विज्ञान, मानविकी सिद्धांतों एवं अन्य समेकित ज्ञान का उपयोग करते हुए उस बिंदु तक हस्तक्षेप करता है जहाँ व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ समायोजित हो सके और हस्तक्षेप कर सके। आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम एक एक टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। आपने अभी जब परिभाषा देखा तो आपने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखा, जैसे कि अभ्यास आधारित सेवा, ये क्या होता है, इसको हम अभी डिस्कशन करते हैं। अकादमिक अनुशासन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सामंजस्य या सामाजिक एकजुटता, सशक्तिकरण, मुक्ति, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, सामूहिक उत्तरदायित्व और विभिन्नताओं के प्रति आदर। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन एक एक जो शब्दावली है उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले स्लाइड में सबसे ऊपर था अभ्यास आधारित, है ना, अभ्यास आधारित सेवा। अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि अभ्यास आधारित सेवा क्या होता है। तो अभ्यास आधारित सेवा का तात्पर्य ये है कि जैसे देखिए सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र बस एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे क्या करता है, अध्ययन करता है। लेकिन हम विद्यार्थी हैं समाज कार्य के, सोशल वर्क के, तो सोशल वर्क के जो विद्यार्थी होते हैं वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस अप्रोच पे भी काम करते हैं, क्योंकि हम सोशल वर्क इंटरवेंशन करते हैं। हम सिर्फ सामाजिक समस्या तक उसको पढ़ के वहाँ तक सीमित नहीं होते हैं, हम उस सामाजिक समस्या के बिहाफ में हम ये भी खोज करते हैं कि समस्या का समाधान क्या होगा। फील्ड पे उतर के हम उस समस्या के समाधान को भी क्या करते हैं, खोजते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाज अभ्यास आधारित सेवा से यह तात्पर्य है कि समाज कार्य सिर्फ उन समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है, अध्ययन के साथ साथ, मतलब अध्ययन तक सीमित नहीं है, उसके साथ साथ समाधान हेतु हस्तक्षेप को भी क्या करता है, उसके लिए भी प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट है अकादमिक अनुशासन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि गैर सरकारी संगठन NGO में जॉब कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से जॉब कर रहे हैं, वो खुद को सोशल वर्कर के रूप में क्या कहते हैं, बताने लगते हैं, जो कि क्या है, तर्कसंगत नहीं है। हम उन्हें हम प्रैक्टिशनर्स कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, प्रैक्टिशनर्स मतलब अभ्यासकर्ता। अभ्यासकर्ता क्यों कहेंगे और समाज कार्यकर्ता, दोनों में क्या अंतर है, अंतर एक डिग्री होल्डर की होती है। हम समाज कार्यकर्ता उसे कहते हैं जो कि समाज कार्य विषय में स्नातक, परास्नातक, संबंधित डिग्री, PhD, इस तरह का कुछ भी अगर उसने किया है तो हम उसको सोशल वर्कर के रूप में पहचानते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो कि फील्ड पे उन्होंने काम किया है, ठीक है, उन्होंने फील्ड पे बहुत लंबे समय से काम किया है, तो उन्हें हम अभ्यासकर्ता कहते हैं, ना कि सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट, इसी परिभाषा में आपने पढ़ा शब्द देखा था सामाजिक परिवर्तन और विकास। तो अब क्या है सामाजिक परिवर्तन और क्या है विकास, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सामाजिक परिवर्तन का जो आयाम है, आयाम मतलब डायमेंशन, वो द्विमुखी है, ठीक है। एक और वो समायोजन की बात करता है, वहीं दूसरी ओर वो परिवर्तन की बात करता है। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट एंड परिवर्तन मतलब कि चेंज। यथासंभव हो सके तो हमें क्या करना चाहिए, परिस्थिति से समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक। और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि समायोजन नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति है, तो हमें क्या करना चाहिए, परिवर्तन की ओर प्रयास करना चाहिए। अब जब एक वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ परिवर्तन, तो इसको आप समझिएगा, परिवर्तन का अर्थ दोनों चीज़ में होता है, एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर भी है और एक है नकारात्मक परिवर्तन की ओर।
जब हम सकारात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक सकारात्मक परिवर्तन है जिसको हम क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक। और जब नकारात्मक परिवर्तन की बात, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा है, या इस तरह का है कि एसिड अटैक हो रहा है ना, तो ये एक ये समाज परिवर्तन जो हो रहा है ये एक नकारात्मक दिशा में हो रहा है, तो इसको हमको क्या करना होगा, रोकना होगा। तो हमें परिवर्तन को ये समझना है कि परिवर्तन में किस चीज़, किस परिवर्तन को हमको प्रमोट करना है और किस परिवर्तन को हमें क्या करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो ये सामाजिक परिवर्तन, इसलिए इस परिवर्तन को, विकास को हमने समाज कार्य के अंदर क्या किया है, परिभाषा के अंदर, इसी वजह से ये क्या है, समाहित है, ठीक। नेक्स्ट है सामाजिक एकजुटता। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एकजुटता का मतलब क्या हुआ, ठीक। इसको कहीं कहीं पे जैसे ये भी लिखा है कि समरसता है ना, तो यहाँ का अर्थ ये होता है कि जब भी समाज कार्य इस बात पे विश्वास करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी आप भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी जाति हो का हो, किसी प्रजाति का हो, किसी रंग नस्ल, किसी भी संस्कृति का हो, यहाँ तक कि एक चीज़ और, वो किसी भी लिंग का हो, वो मेल फीमेल या कभी ट्रांसजेंडर, तो किसी भी बैकग्राउंड से वो व्यक्ति आ रहा है, हम उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से उसको डिस्क्रिमिनाइज करके आइसोलेट नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि समाज कार्य का ये मूल्य भी है, आपके दर्शन में भी ये चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं सशक्तिकरण की। सशक्तिकरण किसे कहते हैं, एम्पावरमेंट, आपने बहुत बार इसको सुना होगा, एम्पावरमेंट, एम्पावर करना, मतलब कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को इस रूप में सशक्त कर देना कि वह व्यक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया में वह स्वयं सक्षम हो। मतलब क्या निर्णय लेना है, जैसे मान लो कोई लड़की है 12 क्लास में है, अब वो 12 के बाद वो बीएससी करेगी, बीए करेगी, बीकॉम करेगी या स्पोर्ट्स में जाएगी, वो क्या करना चाहती है उसको वो लड़की स्वयं क्या करे, निर्णय ले, तो हम उसको एम्पावर कहेंगे कि एक तरह से उसने अपने करियर के रिगार्डिंग जो फैसला है उसने स्वयं लिया, ना कि उसके घर परिवार के लोग ले रहे हैं। दूसरा है मुक्ति। यहाँ मुक्ति को कई संदर्भ में समझा जा सकता है, मुक्ति को यहाँ पे उदारता भी कहीं कहीं जैसे लिखा गया है। मुक्ति का अर्थ की किस प्रकार की मुक्ति है ना, समाज कार्य के विद्यार्थी को किस प्रकार की मुक्ति से मतलब अपेक्षा किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है, एक प्रिंसिपल भी है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, मतलब किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से हमें क्या होना है, मुक्त होना है। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, प्रिजुडाइस, पूर्वाग्रह कि हम पहले से ही एक धारणा बना लें कि अमुक जाति के लोग अच्छे नहीं होते हैं या अमुक धर्म के लोग अच्छे नहीं होते हैं, अमुक पार्टी अच्छी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये आप कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से क्या है, ग्रसित हैं। और जब कभी आप सोचिए कि अगर समाज कार्यकर्ता किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से पहले से ही ग्रसित हो, तो जाहिर सी बात है कि इसका पूरा जो प्रभाव होगा वो आपके समाज कार्य के जो हस्तक्षेप के परिणाम पर पूर्णतया पड़ेगा, क्योंकि आपने तो पहले इसको जज कर लिया ना कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, तो फिर आप वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या डायग्नोस करेंगे, ये सारी चीज़ फिर वहीं पे उसी क्षण फेल हो जाती है। तो मुक्ति का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि आपको आंतरिक रूप से उदार होना पड़ेगा, समरसता का भाव रखना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर है तो हमको एक्सेप्ट करना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे होता है कि स्वीकृति का सिद्धांत, कोई व्यक्ति किस परिवेश से आया है हमें ये नहीं देखना है, वह व्यक्ति, व्यक्ति अर्थात वह सेवार्थी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, व्यक्ति और सेवार्थी में अंतर होता है। व्यक्ति तो मुझे कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने आया, ठीक, लेकिन अब हम उसको सेवार्थी बोलते हैं समाज कार्य के भाषा में, क्यों, क्योंकि पर्सन एंड केस, इसमें अंतर होता है। पर्सन तो जैसे मैंने कहा कि बच्चा, बूढ़ा, महिला, पुरुष, कोई भी हो गया, लेकिन जब हम केस की बात करते हैं तो अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम, तो उसको हम क्या कहते हैं, केस। आप कभी हॉस्पिटल में जाइए, आप कभी जेल की ओर, अगर थाने अगर उधर जाते हैं तो वहाँ किसी व्यक्ति को नाम से नहीं पुकारा जाता है, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, फाइल नंबर, केस नंबर, ये, ठीक। तो केस का मतलब ही है कि अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम, भाई आपके पास जो व्यक्ति आ रहा है तो वो किसी समस्या से ग्रसित है तभी वो आपके पास आ रहा है, और जब समस्या से व्यक्ति जैसे ही ग्रसित होता है, जुड़ता है, तो उसका नाम तुरंत बदल जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट सेवार्थी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक न्याय और मानवाधिकार की, चूँकि आगे वैल्यू पढ़ाना है तो वैल्यू में मैं इसको और भी डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय से तात्पर्य ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या होता है कि जैसे आपने दो शब्द सुने होंगे, समता और समानता, तो
तो समानता ये होता है कि हम सभी को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कोई भी सामान है हम उसको समान रूप से सभी को दे दिए। लेकिन समता होता है कि जिसको जिस तरह की आवश्यकता है हम आवश्यकता अनुसार उसको क्या करें, हेल्प करें। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई गांव है वहाँ पे कुछ अपर मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, ठीक, जो कि थोड़ी रिच है, और एक तबका ऐसा है जो कि बहुत पुअर है। अब हमारे पास सिलाई मशीन है, हमने क्या किया, सबको उठा के सिलाई मशीन उस गांव में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट में दे दिया, जो कि ये क्या है, समानता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो रिच पर्सन है शायद उसके पास पहले से ही मशीन हो, तो उसके लिए वो मशीन जो आपने दिया है वो बहुत प्रासंगिक नहीं होगा, है ना। तो आपको उसको देने के बजाय आपको वही मशीन किसी और दो चार और जो पुअर क्लास के गरीब संपन्न विहीन वर्ग जो थे आप उधर दे दिए होते। तो कहीं ना कहीं ये जो समानता का एस्पेक्ट है ये इसीलिए सही नहीं बैठता है, क्योंकि हम किसी को ज़रूरत है ज़रूरत को नहीं देख रहे, हमने बस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। लेकिन जब समता की बात आती है तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि उस गांव में कैसी महिलाएं हैं, हो सकता उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड्स क्या है। हो सकता है बहुत सारी महिलाएं बहुत बुजुर्ग हैं तो हम उनको अचार मुरब्बा जैसे किसी कुटीर उद्योग में लगा दिए, है ना। किसी को सिलाई में अगर इंटरेस्ट है तो हम उसको सिलाई मशीन पर दे दिए। किसी को ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट है तो हम उसको ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए हेल्प कर दिए। तो अब ये समता का एस्पेक्ट है, मतलब जिसको जैसे ही आवश्यकता है हम उसको उस तरह की हेल्प कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमने क्या किया, सामर्थ्यवान किया, इनेबल किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि समता और समानता। ठीक, तो हम सामाजिक न्याय की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समता का वो होना चाहिए। और ये सामाजिक न्याय का जो एस्पेक्ट है, जैसे मानवाधिकार भी इसमें लिखा हुआ है तो इसको भी साथ में बताते चलती हूँ। मानवाधिकार मतलब कि किसी का भी मानवाधिकार, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो कैदी हो, ठीक है, चाहे कितना भी कुंठित वर्ग हो, चाहे वो मानसिक रोगी हो, है ना, किसी भी प्रकार का वो कमजोर वर्ग से अगर संबंधित है तो उसके मानवाधिकार की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामूहिक जिम्मेदारी। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, पिछले पैंडेमिक जब हुआ था, वैश्विक महामारी जब हुआ था COVID-19, उस समय सामूहिक जिम्मेदारी जिसमें कि कोरोना वॉरियर के रूप में सभी को चिन्हित किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग और के डॉक्टर्स और वार्ड बॉय नर्स और उसी में समाज कार्यकर्ता ने भी क्या किया था, बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो ये और वहाँ पे इनके अलावा भी जो व्यक्ति घर पर भी था तो उसने भी अपने जो उसका दायित्व था उसको क्या किया, जैसे घर से बाहर नहीं निकलना था तो जनता ने भी उस चीज़ को क्या किया था, कॉपरेट किया था। तो ये सारी चीज़ें और कहीं ना कहीं सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ होता है हम की भावना। जब हम की भावना आती है तो देखिए हम की भावना तभी आएगी जब भेदभाव रहित समाज का स्थापना होगा, है ना। अगर भेदभाव हम करेंगे तो आपसे जो अल्पसंख्यक जैसे जो जिससे आप अल्पसंख्यक समझ कर या कमजोर समझ कर आप जिसको डिस्क्रिमिनाइज कर रहे हैं फिर वो आपके साथ क्यों आएगा। नेक्स्ट है विविधताओं के प्रति सम्मान। विविधताओं मतलब हमारा जो भारत है, जो हमारे जिस देश में हम रहते हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक हम हर तरह से क्या है विभिन्नताओं से घिरे हुए हैं। तो हमें हर एक जैसे सामाजिक की बात की जाए तो हर एक धर्म हर एक जाति को हमको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। सांस्कृतिक जैसे कि कोई कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, है ना, कोई पहाड़ी है, तो हमें उनके कल्चर को क्या करना चाहिए, सम्मान के साथ देखना चाहिए। आर्थिक रूप में जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई धनाढ्य है, तो हमको हमारे जो एज ए सोशल वर्कर हमको उनको कैसे देखना है, इक्वल देखना है कि सभी हमारे लिए क्या है, समान है। राजनीतिक रूप से कोई किसी पार्टी का है, ठीक, तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, हो सकता है वो किसी पार्टी विशेष से संबंधित है, तो हमको उसको पार्टी विशेष से नहीं देखना है, हमको बस उसको क्लाइंट के रूप में देखना है, ठीक है। और हमको उसको जो भी व्यक्ति है उसको हमको क्या करना है, उसके प्रति एक सम्मान की भावना के साथ उसको क्या करना है, हमको एक्सेप्ट करना है। एंड लास्ट जो कि था सामाजिक अनेक सामाजिक विज्ञानों में संबंध। जब हम समाज कार्य जैसे जब पढ़ते हैं तो समाज कार्य कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि उधार से लिया हुआ सब्जेक्ट है, जिसमें कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लॉ, विधि शास्त्र, है ना, आचार शास्त्र, ये सब मानव शास्त्र, ये सारे शास्त्रों का एक सम्मिश्रण है। तो कहीं ना कहीं जब हमको समाज कार्य पढ़ना होता है तो इन सभी शास्त्रों के विषय में भी हमें जानकारी अपेक्षित जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मूल्य की। मूल्य किसे कहते हैं,
आई होप आपको समाज कार्य का परिभाषा अच्छे से समझ में आया होगा। ये परिभाषा ग्लोबल परिभाषा है, जिसको कि आपको एक एक टर्म जब आपको क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्योंकि परिभाषाओं से ही आपके विशेषताएं निकलती हैं, समाज कार्य के उद्देश्य निकलते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं परिभाषा अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, नेचर, ये सब आप क्या कर लेंगे, आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूल्य। तो एक चीज पहले समझिएगा कि जैसे दर्शन, दर्शन से निकलते हैं मूल्य और मूल्य से निकलता है व्यवहार, है ना, जिसको कि प्रतिमान। तो हमारा जैसा दर्शन होता है वैसे हमारे मूल्य होते हैं, और वैसे ही हमारा क्या होता है, व्यवहार परिलक्षित होता है। जैसे अगर हमारा दर्शन मानवतावादी है, जैसे कि समाज कार्य का है, तो मानवतावादी दर्शन की वजह से हमारे मूल्य क्या है कि रिस्पेक्ट टू, मतलब जो भी व्यक्ति है उसको हमको आदर सम्मान के साथ उसको हमें उसको सर्विस देना है, ठीक है। हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे, डिग्निटी एंड वर्थ की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इस तरह का मूल्य जब निकलेगा तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, समायोजित व्यवहार निकलेगा। और अगर इसके विपरीत हमारा मूल्य है, है ना, अगर हमारे मूल्य विध्वंसकारी टाइप का, दर्शन हमारा विध्वंसकारी टाइप का, तो हमारा मूल्य भी वैसे रहेगा कि हम किसी को कुछ समझेंगे नहीं, है ना। हमारे अंदर चीज़ें क्या होंगी, विध्वंसकारी टाइप की, किसी का काम बिगाड़ दो, उसी में हमको अच्छा लगेगा। व्यवहार भी कहीं ना कहीं एंटी सोशल बिहेवियर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, दर्शन, मूल्य, व्यवहार, इन ये तीनों कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और ये तीनों कैसे प्रभावित हो जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल्य किसे कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मूल्य किसी, और देखिए चार चीज़ें हैं, मूल्य किसी वस्तु, अवधारणा, सिद्धांत, क्रिया, परिस्थिति के विषय में किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के बौद्धिक एवं संवेगात्मक निर्णय को मूल्य के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब समझिए, मूल्य मतलब होता है ना कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड, है ना। हम कहीं ना कहीं अपने बौद्धिक मतलब अपने बुद्धि विवेक से, अब व्यक्ति, या तो हम व्यक्ति के रूप में हैं, या तो हो सकता है हम एक समूह के रूप में हैं, या तो हम एक समुदाय के रूप में हैं, किसी भी रूप में हैं, और हम अपने बौद्धिक और अपने संवेग, अपने बुद्धि विवेक से हम इस चीज़ को क्या करते हैं, किसी वस्तु के विषय में या किसी कॉन्सेप्ट के विषय में, या कोई प्रिंसिपल है, या कोई क्रिया, या कोई परिस्थिति, कुछ भी आपके सामने है, तो आप अपने विवेक से उस चीज़ को क्या करते हैं, एक वैल्यू देते हैं, है ना। वैल्यू मतलब कि आप ये कहीं ना कहीं असेस्ट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ये सही है या सही नहीं है, ठीक। और हम कहीं ना कहीं मूल्य के द्वारा व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि मूल्य का अर्थ क्या है। हम एक निर्णय पर जाते हैं कि हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ, ठीक है। अब जैसे हम बात करेंगे नेक्स्ट, सिक्स कोर वैल्यूज ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन, जो कि NASW, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के द्वारा दिया गया। इसमें छः कोर वैल्यू हैं समाज कार्य के। पहला है सर्विस। सर्विस का मतलब ये हुआ कि पहला सर्विस है, दूसरा सोशल जस्टिस है, तीसरा डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन है, और चौथा इम्पॉर्टेंस ह्यूमन रिलेशनशिप, पांचवा इंटीग्रिटी एंड छठवा कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले सर्विस पे। सर्विस का मतलब यहाँ पर ये है कि सर्व पीपल इन नीड एंड वर्क टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम। यहाँ पर हम एक सेवा देने की बात कर रहे हैं, और उस सेवा के प्रति हम कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं चाह रहे हैं। हम अपने प्रोफेशनल स्किल के साथ व्यक्ति को सामाजिक समस्याओं से क्या करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल पैंडेमिक का टाइम था, जबकि समाज कार्यकर्ता भी क्या किए थे, बहुत बड़े लेवल पे सोशल वर्क इंटरवेंशन किए थे, हस्तक्षेप किए थे, लोगों को अवेयर किए थे कि लोग क्या करें कि सोशल डिस्टेंस रखें। कहीं कहीं पे उन्होंने मतलब एडवोकेसी का भी काम किया था, और कभी कभी मतलब समाज कार्य के जो भी रोल हैं उनको उन लोगों ने किया था। तो ये सर्विस ऐसा नहीं था कि उसके लिए उनको पेड किया जा रहा था, तो ये कहना कि एक वॉलंटियर सर्विस के रूप में किया गया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो सर्विस का अर्थ यहाँ पर यही है कि हमको व्यक्ति के आवश्यकताओं और उसके सामाजिक समस्याओं से उसको बाहर निकालने के लिए समाज कार्य के सिद्धांत, स्किल, निपुणता और समाज कार्य के वैल्यू, प्रिंसिपल जो भी हैं, उसके बिहाफ में हम उसको क्या करेंगे, इंटरवेन करते हुए उसको बाहर निकालेंगे। दूसरा है सोशल जस्टिस। जब सोशल जस्टिस की बात आ रही है तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैलेंज सोशल इनजस्टिस एंड वर्क फॉर सोशल चेंज। यहाँ पर हम जो भी सोशल इनजस्टिस का मतलब क्या, जैसे मान लो कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, है ना, तो इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं सोशल वर्क जो होता है वो प्रतिबद्ध होता है, सोशल वर्कर, कि उस भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तमाम जो भी सोशल इश्यूज है उसके प्रति किस तरह से हम उसको क्या करें, एक चैलेंज के रूप में हम उसको टैकल करें, उसको सॉर्ट आउट करें।
जैसे एक चीज़ ये भी है कि जैसे मान लो किसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इस तरह का चीज़ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लेवल पे शोषण हो रहा है, ठीक, किसी कम्युनिटी या कोई कोई संस्था है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं समाज का वहाँ पे लोग अभ्यास आदती हो गए, अभ्यस्त हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें सोशल वर्कर करता है, एक तो इच्छाओं का जागरण कि उसको विल पावर मजबूत करता है, और दूसरा उसके अंदर आक्रोश को भरता है कि उसको व्यक्ति को स्वयं भी लगे कि उसके साथ गलत हो रहा है, ताकि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस अब पहले तो बहुत होता था, आज तो उसके लिए एक्ट भी बन गया। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति के ऊपर वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जिस महिला पे हो रहा है, तो उसको खुद समझना चाहिए कि उसके साथ गलत हो रहा है। तो पहले क्या थे, अभ्यस्त थे, उनको वो धर्म से जोड़ दिए कि पति परमेश्वर है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब चेंज है ना, अब इतनी इतने इजी नहीं है। नेक्स्ट है डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन। यहाँ का मतलब ये हुआ कि बी रिस्पेक्टफुल ऑफ एवरी पर्सन। हमारे सामने, मैंने एज ए क्लाइंट पहले भी बताया कि हमारे सामने एज ए क्लाइंट अगर कोई ट्रांसजेंडर आ जाता है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम आपको, या कोई बाइसेक्सुअल आ गया है ना, या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया किसी दूसरे धर्म जाति का है ना, किसी दूसरे नस्ल प्रजाति, किसी दूसरे रंग रूप का है, तो आप उसको, मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस और प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, आपको प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ उस व्यक्ति को एक्सेप्ट भी करना है, और उसको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड मतलब आप पहले से जज नहीं करेंगे, आप उसको अनबायस्ड मतलब कि बिना किसी पक्षपात के आप उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब हम चौथे पे बात कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि रिकॉग्नाइज द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम किस तरह के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। दो तरह का होता है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड एक होता है इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जहाँ पे कि क्लाइंट वर्कर का रिलेशनशिप है ना, जो कि विषयात्मक और आत्मचेतनात्मक है ना, ये भी है, आगे केस वर्क का जब मैं क्लास दूंगी उसको डिटेल में बताऊंगी। और इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब व्यक्ति का स्वयं से संवाद होता है, उसको इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंतर्गत बी ट्रस्टवर्दी, एथिकल प्रिंसिपल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे समाज कार्य करता है ना, तो उसका मतलब कि एथिक्स है ना, एथिक्स मतलब कि कोड ऑफ कुछ है, कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत ही वो काम करता है फॉर द क्लाइंट है ना, अपने क्लाइंट के लिए, अपने टू द कलीग्स है ना, कलीग्स के साथ कैसे काम करना है, एथिकल प्रिंसिपल उसके अलग होते हैं। फिर एज ए प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन के रूप में कि एज ए प्रोफेशनल्स वो कैसे काम करेंगे, ठीक। फिर आपका आता है प्रैक्टिस अप्रोच है ना, कि सोशल वर्क प्रैक्टिस अप्रोच के रूप में वो क्या काम करेंगे है ना, कैसे प्रैक्टिस फील्ड पे काम करेंगे। एंड लास्ट दो होता है, एक होता है सोशल वर्क प्रोफेशन, आप अपने सब्जेक्ट के साथ किस तरह से न्याय कर रहे हैं, उसके सब्जेक्ट के प्रति आपके क्या एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स हैं। एंड लास्ट फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपके इंटीग्रिटी का मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं हमको एथिकल स्टैंडर्ड के साथ, एक सोशल समाज कार्यकर्ता जो होता है वो एथिकल स्टैंडर्ड के साथ काम करता है। वो जैसे एक चीज़ में समझिएगा, जैसे आप किसी से अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो वो तो हुआ कि आप अपने घर पे प्रॉब्लम बता रहे हैं, पड़ोस में बता रहे हैं, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब आप समाज कार्यकर्ता के साथ अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं एज ए क्लाइंट है ना, तो उस प्रोसेस को हम कैथारसिस कहते हैं, भाव विरेचन। जब समाजकर्ता के सामने क्लाइंट अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैथारसिस, भाव विरेचन। लास्ट है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है डेवलप प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का मतलब आप पहले समझिए, एक्सपर्टाइज हम किसको कहते हैं, एक्सपर्ट हम किसको कहते हैं, एक्सपर्ट हम उसे कहते हैं, विशेषज्ञ उसे कहते हैं, जिससे गलतियाँ होने की संभावना क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है। वो जल्दी गलती नहीं करता, क्यों क्यों गलती नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि वो बहुत स्किल्ड हो चुका है ना, बहुत निपुण हो चुका है। जैसे आप स्कूटी, सपोज कोई लड़की स्कूटी चलाना सीख रही है, तो स्कूटी अगर चलाना सीख रही है तो पहले वो गिरेगी, बहुत बार गिरेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब किसी को बैठा के भी वो क्या करेगी, चला लेगी, ठीक। तो ये सोशल वर्क के आपको 6 कोर वैल्यूज हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करूँगी जो कि कॉस्ट के सोशल वर्क वैल्यूज में था, उसमें ये था कि जो समाज कार्य का मूल्य है, उसमें एक ह्यूमन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ठीक। आपने देखा भी होगा स्कॉस का, अगर पढ़ा होगा तो ह्यूमन पोटेंशियल के अंतर्गत ये होता है कि जो व्यक्ति है ना, वो अपने क्षमता के अनुसार कार्य करे, तब उसका जो विभव, मानवीय विभव तक वो क्या होगा, प्राप्त कर सकेगा, ठीक।
पोटेंशियल, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई बच्चा है कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है लेकिन उसके मम्मी पापा कोटा में एडमिशन करा दिए, अब वो इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहे हैं लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है, स्पोर्ट्स है, तो ऐसा बच्चा फिर क्या करेगा, सुसाइड करेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन पोटेंशियल को भी समझना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू क्षमता है ना, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हमको उसको क्या करना है, मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से आज हमने समझा कि समाज कार्य के मूल्य क्या होते हैं, और जल्दी ही सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुपों पर अगली वीडियो आएगी जिससे कि समाज कार्य के बच्चे और अधिक समाज कार्य के विषय में समझ सकेंगे। थैंक यू।